जनता कमेंट बॉक्स में जाए और जरूर हमें बताए कि क्या राकेश ठाकुर जी को यहाँ पे जो रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट देना ठीक था, क्या ये सीट बचा पाएंगे भाजपा के लिए, क्या ये भाजपा के खाते में सीट जा पाएगी राकेश ठाकुर होरों के जो आने से। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग। तो दर्शकों, हाजिर हुआ हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आजकल आपको पता ही है कि चुनावी हलचल जो है अपने उफान मार रही है। अब धीरे धीरे और भी ज्यादा जो है ये चुनाव का तूफान बढ़ेगा। कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर आएंगे, कुछ वहां से आएंगे, कुछ इधर से जाएंगे। हलचल गड़बड़ चलती रहेगी क्योंकि वक्त है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का, चुनाव का। तो जी हाँ, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आज की जो जिस तरह से आपने सुना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने जो है आज अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। तो भाजपा ने जब ऐलान किया तो आज उसमें हम बात करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है राकेश ठाकुर जी को जो है टिकट मैंडेट भाजपा ने दिया है। और साथ ही साथ बनहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, वहां पे मिस्टर सलीम भट्ट जी को जो है भाजपा ने मैंडेट दिया है। अब मेरा लोगों से डायरेक्ट सीधा ये सवाल है कि आखिर क्या ये जो राकेश ठाकुर जी हैं, जो भाजपा ने जिनको मैंडेट दिया है, क्या ये टिकट जो है, ये जो यहाँ की सीट जो है रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीट है, क्या वो भाजपा के खाते में दलवा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए और बताइए कि क्या आखिर जो राकेश ठाकुर जी हैं ये सीट बचाने में मदद करेंगे, भाजपा यहां से विजय होगी, या राकेश ठाकुर जी के आने से कोई ना कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। ये बड़ी बात है क्योंकि राकेश ठाकुर जी हम मानते हैं दिग्गज नेता है, लेकिन सबसे बड़ी दिग्गज, सबसे बड़ी जो जनादन है वो जनता है। तो जनता कमेंट बॉक्स में जाए और जरूर हमें बताए कि क्या राकेश ठाकुर जी को यहाँ पे जो रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट देना ठीक था, क्या ये सीट बचा पाएंगे भाजपा के लिए, क्या ये भाजपा के खाते में सीट जा पाएगी राकेश ठाकुर होरों के जो आने से। तो मैं बता दूं कि काफी चुनावी घमासान चल रहा है और दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अभी कुछ आगे पीछे दिख रही है, कभी बैक हो रही है, कभी आगे आ रही है। तो जल्द ही उनके कैंडिडेट का भी ऐलान हो जाएगा। वैसे क्रयास 95% जो है श्री अर्जुन सिंह राजू के नाम पे है। तो अभी इस वीडियो में जो है आपने बताना है कि आखिर जो राकेश ठाकुर जी को ये सीट मिली है, जो मैंडेट मिला है, क्या ये यहाँ से भाजपा की लाज बचा पाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। वीडियो को कीजिएगा शेयर, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद।